हमारा बहुमत कांग्रेस के साथ है और भारी संख्या बल के साथ हम लोग वहाँ विजयी होंगे। 40% कमीशन सरकार का जो हमने नारा दिया जनता ने स्वीकार किया और भाजपा को हराने में बहुत अहम हमारा एक मुद्दा रहा जिसे लोगों ने एक्सेप्ट कर कांग्रेस का बहुमत दिया है। तमाम दुष्प्रचार हुआ लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार का कैंपेन हम लोगों ने किया था कर्नाटका के अंदर और जो इश्यूज थे उस पर फोकस किया और इसलिए मुझे लगता है कि पब्लिक ने सारी अटकलों को खारिज करते हुए बहुमत दिया है कांग्रेस की सरकार के बनाने के लिए। लेकिन जेडीएस भी अच्छा परफॉर्म कर रही है वहाँ पे, हो सकता है कुछ पॉकेट्स में लेकिन डेमोक्रेसी संख्या बल पे चलती है और क्लियर मेजोरिटी कांग्रेस को मिलेगी इस बार। क्या लगता है बीजेपी के लिए क्या सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा उनका? मैं कह रहा हूँ ना, जो स्टेट गवर्नमेंट के करप्शन थे, कमीशन सरकार थी, 40% कमीशन का करप्शन का जो चार्ज था वो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और इसी वजह से सरकार बदलने के लिए कांग्रेस को बहुमत दिया है। सचिन, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्योंकि कांग्रेस सत्ता में आ रही है वहाँ पे, लेकिन जो मुख्यमंत्री है अपना फेस होगा, सिद्धरमैया है, ऋषि कुमार है, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के फेस में है, क्या लगता है कि उसको लेकर भी थोड़ी सी वो पार्टी का अंदरूनी मामला है? सारे विधायक और खड़गे जी और जो पार्टी का आलाकमान है बैठ के चर्चा करेंगे और जो भी बेस्ट निर्णय होगा प्रदेश के हित में उस निर्णय को लेंगे। सचिन, आज तीसरा दिन आपकी रैली का देख रहा हूँ, आंधी तूफान चल रहा है, जनता का जो जोश है वो रोक नहीं पा रहा इसको। मैंने भी जो इश्यूज देके मैं यात्रा निकाल रहा हूँ वो जनता के इश्यूज हैं, ये किसी इंडिविजुअल या किसी के खिलाफ नहीं है, ये करप्शन के खिलाफ है और नौजवानों के अंदर विश्वास पैदा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इतनी भीषण गर्मी में एक दिन के नोटिस पर इतने सारे लोग हमारे साथ पैदल चल रहे हैं जयपुर की ओर, ये अपने आप में बहुत बड़ा संतोष देने वाली बात है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता की आवाज सुनना, जनता की आवाज बनना, यही उद्देश्य होना चाहिए। अगला चुनाव राजस्थान में भी होगा, क्या लगता है कि इस यात्रा के जरिए आपको भी कोई ना कोई फायदा मिलेगा चुनावों में? हम तो चाहते हैं कि जो भाजपा की सरकार के टाइम के करप्शन केसेस थे उस पर हम कार्रवाई करें। इस मांग को बहुत लंबे समय से मैं उठा रहा हूँ और करप्शन ऐसा इश्यू है जिसपे जनमानस की ये सोच है कि इसको बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहिए। नौजवानों के अंदर जो उदासीनता है, जो एक तरह से मायूसी है, क्योंकि बार बार पेपर लीक होते हैं, पेपर कैंसिल होते हैं, नौजवान बच्चे ओवरएज हो जाते हैं, गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ने के लिए, ट्यूशन कोचिंग के लिए कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं, तो तमाम मुद्दों को लेकर मैं चाहता हूँ कि एक स्थायी समस्या का समाधान हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि पब्लिक से जुड़े रहना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता किसी भी जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए। आखिरी सवाल है, जयराम समय साहब, जयराम जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी, 7 राज्यों में गए थे और कांग्रेस को बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है, आप भी यात्रा निकाल रहे हैं, क्या इससे फायदा मिलेगा कांग्रेस को? ये चुनाव और वहाँ पर भाजपा का जो करप्शन था उसको हमने पूरी तरह एक्सपोज किया, इस वजह से पूरा बहुमत कांग्रेस के साथ है और भारी संख्या बल के साथ हम लोग वहाँ विजयी होंगे। 40% कमीशन सरकार का जो हमने नारा दिया जनता ने स्वीकार किया और भाजपा को हराने में बहुत अहम हमारा एक मुद्दा रहा जिसे लोगों ने एक्सेप्ट कर कांग्रेस का बहुमत दिया है। तमाम दुष्प्रचार हुआ लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार का कैंपेन हम लोगों ने किया था कर्नाटका के अंदर और जो इश्यूज थे उस पर फोकस किया और इसलिए मुझे लगता है कि पब्लिक ने सारी अटकलों को खारिज करते हुए बहुमत दिया है कांग्रेस की सरकार के बनाने के लिए। लेकिन जेडीएस भी अच्छा परफॉर्म कर रही है वहाँ पे, हो सकता है कुछ पॉकेट्स में लेकिन डेमोक्रेसी संख्या बल पे चलती है और क्लियर मेजोरिटी कांग्रेस को मिलेगी इस बार। क्या लगता है बीजेपी के लिए क्या सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा उनका? मैं कह रहा हूँ ना, जो स्टेट गवर्नमेंट के करप्शन थे, कमीशन सरकार थी, 40% कमीशन का करप्शन का जो चार्ज था वो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और इसी वजह से सरकार बदलने के लिए कांग्रेस को बहुमत दिया है। सचिन, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्योंकि कांग्रेस सत्ता में आ रही है वहाँ पे, लेकिन जो मुख्यमंत्री है अपना फेस होगा, सिद्धरमैया है, ऋषि कुमार है, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के फेस में है, क्या लगता है कि उसको लेकर भी थोड़ी सी वो पार्टी का अंदरूनी मामला है? सारे विधायक और खड़गे जी और जो पार्टी का आलाकमान है बैठ के चर्चा करेंगे और जो भी बेस्ट निर्णय होगा प्रदेश के हित में उस निर्णय को लेंगे। सचिन, तीसरा दिन आपकी रैली का देख रहा हूँ, आंधी तूफान चल रहा है, जनता का जो जोश है वो रोक नहीं पा रहा इसको। मैंने भी जो इश्यूज देके मैं यात्रा निकाल रहा हूँ वो जनता के इश्यूज हैं, ये किसी इंडिविजुअल या किसी के खिलाफ नहीं है, ये करप्शन के खिलाफ है और नौजवानों के अंदर विश्वास पैदा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इतनी भीषण गर्मी में एक दिन के नोटिस पर इतने सारे लोग हमारे साथ पैदल चल रहे हैं जयपुर की ओर, ये अपने आप में बहुत बड़ा संतोष देने वाली बात है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता की आवाज सुनना, जनता की आवाज बनना, यही उद्देश्य होना चाहिए। अगला चुनाव राजस्थान में भी होगा,
कि इस यात्रा के जरिए आपको भी कोई ना कोई फायदा मिलेगा चुनावों में? हम तो चाहते हैं कि जो भाजपा की सरकार के टाइम के करप्शन केसेस थे उस पर हम कार्रवाई करें। इस मांग को बहुत लंबे समय से मैं उठा रहा हूँ और करप्शन ऐसा इश्यू है जिसपे जनमानस की ये सोच है कि इसको बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहिए। नौजवानों के अंदर जो उदासीनता है, जो एक तरह से मायूसी है, क्योंकि बार बार पेपर लीक होते हैं, पेपर कैंसिल होते हैं, नौजवान बच्चे ओवरएज हो जाते हैं, गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ने के लिए, ट्यूशन कोचिंग के लिए कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं, तो तमाम मुद्दों को लेकर मैं चाहता हूं कि एक स्थायी समस्या का समाधान हो। लेकिन मैं मानता हूं कि पब्लिक से जुड़े रहना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता किसी भी जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए। आखिरी सवाल है, जयराम साहब, जयराम जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी, 7 राज्यों में गए थे और कांग्रेस को बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है, अभी यात्रा निकाल रहे हैं, क्या इससे फायदा मिलेगा कांग्रेस को? ये चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पब्लिक इश्यूज, जनता के सेंटिमेंट्स, मतदाताओं के जज्बात और हमसे क्या अपेक्षा है, उन तमाम चीजों को ध्यान में रख के हमें हर काम करना चाहिए।